हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रजनीश पाटीदार, लक्ष्य MBBS, और अभी हम हैं टर्नोफिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस के पास, जस्ट जहाँ सारे हॉस्टल्स हैं। और अभी हमारे स्टूडेंट के साथ हम लोग अभी जस्ट मुलाकात किए हैं, तो अभी हम इनसे इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे और अवरिनाल यूक्रेन का कैसा एक्सपीरियंस है इनका और यहाँ की यूनिवर्सिटी कैसी है। एवरीथिंग इज आपका गुड नेम? मेघा त्रिवेदी। मेघा कहाँ से हैं? उज्जैन से। मेघा, जब पहली बार आप इधर यूक्रेन में आए, तो जो इंडिया से जो मेंटलिटी लेकर आए थे और यहाँ का अवरिनाल एजुकेशन सिस्टम, आपको कैसा लगा? अच्छा है, गुड, नाइस। मीन्स हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बट गुड, ठीक है, हो जाता है। हाँ, टीचर्स वगैरह के साथ आपका रिलेशन अच्छा है? पढ़ाने में सबका, टीचर्स का भी? हाँ, अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इंग्लिश में पढ़ाते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज का? इंग्लिश में पढ़ाते हैं, पर कुछ टीचर्स हैं थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। अच्छे से पढ़ा लेते हैं। और यहाँ पर टेस्ट जो होते हैं, जैसे पर डे होते हैं, वीकली होते हैं, या क्या मंथली, कैसे होता है इधर? डेली टेस्ट होते हैं। वो अच्छा पॉइंट है, डेली टेस्ट होते हैं, अपना डेली अपडेट हो जाता है कि हमने कितना पढ़ाई किया। हाँ, वही। और देन इधर जो आपके सीनियर्स वगैरह हैं, उनका सपोर्टिव नेचर है, या जैसे इंडिया में बहुत सारी जगह रैगिंग वगैरह होता है, इधर कैसा है? नहीं नहीं, यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव हैं सीनियर्स, बहुत सपोर्टिव हैं यहाँ पे। देन इंडिया में जो गर्ल्स के लिए पेरेंट्स का रहता है कि सेफ्टी कैसी होगी अदर कंट्रीज़ में, तो यहाँ गर्ल्स को लेकर एक काफ़ी मन में डाउट होता है कि हम भेजें ना भेजें, तो जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? इधर का सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ? टर्नोपिल सबसे ज़्यादा सेफ है, गर्ल्स बहुत सेफ है। नाइट में कितनी बजे तक बाहर घूम सकते हैं? मतलब हम तो ज़्यादा जाते नहीं, पर हाँ काफ़ी घूम सकते हैं, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है गर्ल्स की। आपका गुड नेम? अनुष्का। अनुष्का, कहाँ से हैं आप? उज्जैन। तो अनुष्का, अभी तक आपका अवरिनाल कैसा फीडबैक है? यूक्रेन के जो पीपल हैं, यहाँ का इनका बिहेवियर, इनका नेचर, कल्चर, सब कुछ उसको थोड़ा सा बताएंगे? सब ठीक है। आपको ठीक लगा सर? हाँ, सपोर्टिव हैं यहाँ पे सब। क्लास बंक नहीं कर सकते यहाँ पे, 100% अटेंडेंस ही होती है। अगर आप किसी रीजन से सिक है या कुछ, तो यहाँ पे परमिशन मिल जाती है, अदरवाइज यू नीड टू पे फॉर द रीवर्क एंड देन आफ्टर कॉलेज यू हैव टू गो। रीवर्क कब तक कर सकते हैं? करना जरूरी नहीं करें कैसा? नहीं, रिवर्क करना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम देने नहीं देते हैं। तो आपको कभी भी मिस किया तो रिवर्क आपको करना ही है। हाँ, रिवर्क करना है। और इधर अगर मंथली एक्सपेंसेस कितना मान के चले अपन, अगर सारा ग्रोसरीज और एवरीथिंग, एक नॉर्मल बंदा अगर इधर सर्वाइव करे, तो मंथली एक्सपेंस कितना हो सकता है इधर? 1000 ग्रेवियंस। और इंडिया से जो काफ़ी लोग ड्रॉप्स वगैरह देते हैं और अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करते हैं, तो अब्रॉड का ऑप्शन आपके हिसाब से कैसा है उनके लिए? अब्रॉड के साथ अब्रॉड ऑप्शन बहुत ठीक है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इंडिया में रह के टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा यहाँ पे आप एक साल पढ़ लोगे, सो इट्स गुड। माय नेम इज आकाश, मैं टर्नोपिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, अभी फिलहाल नेशनल यूनिवर्सिटी हो चुका है। कहाँ से आप इंडिया में? मैं बांसवाड़ा से हूँ, राजस्थान। और इधर का स्टडी पैटर्न एंड? हाँ, स्टडी पैटर्न का सपोर्ट सिस्टम एंड कैसा क्या सब कुछ? सब कुछ सही है यार, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और स्टूडेंट्स के लिए हमें हर क्लास में पढ़ाई करनी पड़ती है, हर क्लास में टेस्ट होता है, उसके हिसाब से हमको ग्रेड्स मिलते हैं, 4 के ऊपर ग्रेड आ गए तो हर क्लास में पास हो जाते हैं, तो हमेशा एवरेज 4 के ऊपर ग्रेड देना चाहिए। और वैसे पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, और अगर आपको MCI मतलब कि क्लियर करना हो, तो ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ाई होती है, कोई लीनियंसी नहीं है पढ़ाई में। टीचर्स से अगर कोई डाउट्स वगैरह हो? नहीं, टीचर्स वगैरह तो बहुत फ्रेंडली है और सारे डाउट क्लियर कर लेते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स है, कोऑपरेटिव है सब। ओके, देन कितने स्टूडेंट होते हैं क्लास के अंदर? एक क्लास के अंदर हमारे हिसाब से ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं और 14 स्टूडेंट्स हो सकते हैं एक क्लास के अंदर मैक्सिमम। ओके, देन यहाँ पर जो आपके सीनियर्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा, कोई रैगिंग वगैरह, उनका सपोर्ट वगैरह? मतलब कि बिल्कुल सपोर्टिव है, मतलब कि बिग ब्रदर जैसे है, मतलब कि जब मैं पहले बार यहाँ पे आया था तो सारे मदद सीनियर्स ने की थी। ओके, तो ऐसा है। ओके, और देन वेदर को लेके इधर को इंडिया को लोगों को काफ़ी लगता है काफ़ी ठंडा इधर, तो उसके लिए क्या सपोर्ट सिस्टम है और कैसा आप क्या प्रिकॉशंस लेते? तो जब पहली बार जब आते हैं तभी ठंडे लगते हैं, फिर तो फिर मैनेज हो जाते हैं, यहाँ के क्लाइमेट के सूट हो जाते हैं। अभी मेरे को जैसे कि अभी गर्मी लग रही है तो थोड़ा निकाल सकते हैं। सब सकते, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी बेस्ट है, मतलब कि यहाँ पे जो टीचर्स है, फैकल्टी है, वो सब मतलब इतना कोऑपरेटिव है कि जो भी डाउट है वो सब क्लियर कर देते हैं।
तो इस हिसाब से तो इंडिया में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, मतलब कि वहाँ पे इतने सारे बच्चे भरे हुए रहते हो एक ही क्लास में, तो उस हिसाब से मेडिसिन की पढ़ाई के लिए तो ये इंडिया से बेहतर है मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अब और एक डिसीजन ले सकते हैं कि अब्रॉड इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड टर्नोफिल, पहले स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होता था, अब ये टर्नोफिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इसका रैंकिंग काफ़ी ऊपर हो गया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हम यहाँ मिले हैं, हॉस्टल विजिट किया है, यूनिवर्सिटी विजिट किया है, तो इट्स गुड, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, सिटी काफ़ी अच्छा है, एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन। आप अपना एक डिसीजन लीजिए अब्रॉड आने का और टर्नोफिल आकर अपने MBBS MD बनकर डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कीजिए। ओके, थैंक यू।